हेलो दोस्तों, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि दोस्तों निफ्टी 50 वाले एक भी स्टॉक नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा डब्बा गुल है, पूरा डब्बा गुल है। ये जो है दोस्तों गेनर है, लेकिन जस्ट अपोजिट चेक करते हैं, अगर गेनर के साइड में अगर हम लूज़र चेक करते हैं तो दोस्तों येस बैंक आज के डेट में भी यहाँ पर देख सकते हैं -13% लगाया है। उसके बाद UPL ने दोस्तों 12%, वेदांता भी 12%, हिंदुस्तान ONGC, मतलब कि दोस्तों हिंडालको, मतलब बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक पूरा टूट गए हैं दोस्तों। अगर ऐसे ही निफ्टी गिरता रहा तो मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा डूबने में समय नहीं लगेगा दोस्तों, और 2008 की मंदी आने में टाइम ज़्यादा नहीं लग पाएगा। और आज के डेट में भी इतना भयंकर गिरावट हुआ है, सेंसेक्स देख लीजिए 3000 को टच कर दिया दोस्तों, 3000 को। निफ्टी भी यहाँ पर देख सकते हैं 868, मतलब कि दोस्तों ये भी 1000 पॉइंट अगर अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं तो टूट ही चुका है। अगर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा तो दोस्तों मैं आपको 2008 की मंदी दिखाता हूँ, कितना भयंकर मार्केट गिरा था दोस्तों, 70% मार्केट गिर चुका था। अभी जो मार्केट गिरावट हो रहा है कोरोना वायरस, क्रूड ऑयल, जो भी है दोस्तों कच्चे तेल की वजह से, मार्केट केवल जो है 25 या 30% के आसपास गिरा है, 25 या 30% के आसपास गिरा है। लेकिन ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो दोस्तों 2008 की मंदी को भी ये क्रॉस कर देगा मार्केट। तो ये रहा दोस्तों 2008 की मंदी, आप लोगों के सामने देख लीजिए दोस्तों 2009, 2008 भी यहाँ पर है, देख लीजिए 2008, देख लीजिए दोस्तों 2008, जब ये दोस्तों ये 6500 को इसने टच किया था। थोड़ा सा और जूम बैक करता हूँ, ठीक है। हाँ, ये देख लीजिए, जब ये दोस्तों ये 2008 में जब ये हाईएस्ट मारा था 6500, वहाँ से जब मार्केट गिरा था दोस्तों, मार्केट गिर के कहाँ गया था दोस्तों, 2500 से भी नीचे आ गया था। मतलब कि दोस्तों ऑलमोस्ट मोर देन 70% मार्केट गिर चुका था। कैलकुलेशन अगर हम करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 6500 से मार्केट गिरा तो कहाँ तक आ गया था, 2500। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 6000 माइनस 2500, मतलब कि दोस्तों 4000 मार्केट गिर चुका था। अब हम देखेंगे दोस्तों परसेंटेज में कितना परसेंट जो है मार्केट गिर चुका था। तो अगर हम देखते हैं परसेंट में दोस्तों, तो ऑलमोस्ट 70% मार्केट गिर चुका था, 4000 बताया गया देखिए माइनस करने के बाद, और अभी 4500, मतलब कि दोस्तों 70% के आसपास मार्केट गिर चुका था। तो ये थी दोस्तों 2008 की मंदी, जिसमें लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा पैसा डूबा, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड दोस्तों लोगों का पैसा डूबा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 2008 का जब ये लाइन स्टार्ट होता है उसी टाइम से गिरना स्टार्ट हुआ था। ये देख लीजिए यहाँ पर भी ये 2008 का लाइन है, उसके बाद से गिरते गिरते दोस्तों 2008 की 6 मंथ तक ये मार्केट गिरा था। और 2009 आते आते एक मिनट 2009 आते आते दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया था दोस्तों, 2009 आते आते जो है ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, और बहुत लोग जो है जम के पैसा कमाए थे, इतना ज़्यादा पैसा कमाए थे दोस्तों, मतलब थोड़े थोड़े दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। और उसी के हिसाब से अगर हम मार्केट का अभी का सिचुएशन देखते हैं तो दोस्तों अभी मार्केट कहाँ से कहाँ गिर चुका है। देख लो, मार्केट टच करने वाला था 12500 के आसपास, लेकिन अभी आ चुका है दोस्तों 9500 के आसपास। मतलब कि दोस्तों अगर अभी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा मार्केट जो है दोस्तों 25% ये टूट चुका है, 25%। अगर ऐसा ही चलते रहा तो दोस्तों और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि हमारा जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो डेली एक नया रिकॉर्ड हाई बना रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब दोस्तों नया रिकॉर्ड बना रहा है, जिसमें दोस्तों मार्केट पहले 2300 पॉइंट गिरा, अभी दोस्तों 3000 का गिरावट यहाँ पर देखा जा रहा है। निफ्टी भी यहाँ 500 600 था, 800 900, अगर यही 1000 पॉइंट गिरेगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गिरावट होने में। इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों कि अगर 2008 जैसी मंदी आ गई तो इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और जब टू था आप यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, जब निफ्टी 50 में ही कोई चलने वाला नहीं है, निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है दोस्तों, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन से स्टॉक को ख़रीदना पसंद करते हैं, निफ्टी 50, मतलब कि दोस्तों निफ्टी 50 में जो स्टॉक है वो फंडामेंटली, टेक्निकली, फाइनेंशियली चारों तरफ से स्ट्रांग है और उसमें लॉस नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों जब ये डब्बा आपके सामने पूरा गुल नज़र आता है, पूरा खाली नज़र आता है, मतलब कि दोस्तों एक भी शेयर पॉजिटिव नहीं है, जितने भी 50 है वो नेगेटिव में है,
तो आप क्या बोलोगे दोस्तों, ऐसा टाइम आता है। तो सोचिए निफ्टी 50 को छोड़ने के बाद जो वीक शेयर हैं, जो कमज़ोर हैं, जो टेक्निकली सही नहीं है, जो फाइनेंशियली सही नहीं है, उनको क्या होगा दोस्तों, वो तो इससे भी ज़्यादा डेंजर गिरावट होगा। तो मैं बोलूँगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो येस बैंक कितना ज़्यादा, यूपीएल, वेदांता, हिंडालको, ONGC और बहुत सारे ऐसे स्टॉक है गिर चुके हैं। तो मैं बोलूँगा इस टाइम में आपको ख़रीदारी नहीं करना है, जिस हिसाब से मार्केट गिर रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, और इतना ज़रूर बोलूँगा मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, भले ही आपको थोड़ा टाइम लगे, वेट करना पड़े, लेकिन दोस्तों मार्केट बाउंस बैक तो जरूर करेगा आज या कल, लेकिन टाइम आएगा तो अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा। तो आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है, ठीक है। तो अगर अभी आपने किसी भी स्टॉक को खरीदा है, चाहे किसी भी तरह से वो स्ट्रांग हो, तो देख लीजिए जब निफ्टी 50 ही नहीं टिक पा रहा, तो और जितने भी हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक हैं वो कैसे टिकेंगे। तो मैं बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, सब कॉन्शियस रहिए, थोड़ा जो भी अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे खाली कीजिए, पैसे कैश बचा के रखिए, कैश जो आने वाले दिनों में आपको सपोर्ट कर सके प्रॉफिट देने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन से शेयर पे हमें फोकस करना चाहिए, जो आने वाले मार्केट अगर हाई जाता है तो अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सकता है उसमें।